नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो मैंने अभी एक नया चैनल स्टार्ट किया है गाइस, जो कि है सभी फाउंटेन पेंस का रिव्यू होने वाला ये चैनल पर, फाउंटेन पेन लवर के चैनल पर। तो आप प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फटाक से सब्सक्राइब करना गाइस। और हम आज बात कर रहे हैं कैमरन एलिगेंट। उससे पहले कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ, मेरा नाम है उद्धव, मैं केरला पर रहता हूँ और जस्ट एक यूट्यूबर हूँ। अभी चैनल स्टार्ट किया है तो ऐसे ऐसे चलकर मुझे लगता है माय फर्स्ट गोल इज़ 1K सब्सक्राइबर्स गाइस। तो यार फटाक से जाओ और 1K सब्सक्राइबर्स हिट करो गाइस, सपोर्ट भी मिल सकता है मेरे को। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी प्रेस करना। तो चलते हैं गाइस, फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कैमलिन एलिगेंट वाली फाउंटेन पेन। ये बहुत ही रिव्यू है अमेज़ॉन पर, बहुत रिव्यूज़ है इसके बारे में, बहुत ही अच्छा है, 5-स्टार रेटिंग भी है अमेज़ॉन पर। ऑफलाइन मार्केट में मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, बट आपको ऑनलाइन से मिल सकता है। वीडियो के नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप फटाक से जाओ और वहाँ से क्लिक कर दो। ओके, तो गाइस आप फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट गाइस, मेरे हाथ पर पानी है, क्लीन करता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ, फोकस करता हूँ इसकी, तो आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा सिल्वर, क्या बोलते हैं वो, सिल्वर कैप है इसका और बहुत ही मतलब अलग से दिख रहा है। बहुत आप कह सकते हो 1960s वाला पेन कैप हो ना, ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही स्टाइलिश है, यहाँ मैट है, मैट सिल्वर कलर, और उसमें लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, कोकियो कैमरन। ओके, यहाँ भी एक एंग्रेविंग है ब्लैक कलर में और यहाँ उसका मेटल कैप है टोक्यो कैमरन। तो कैप को हटा देते हैं साइड पे और मेन बात है पेन। तो भाई, तो आप देख ही सकते हो बहुत से, मतलब जूम करके दिखाता हूँ गाइस आपको। तो आप देख ही सकते हो यहाँ कैमलिन एलिगेंट लिखा हुआ है, यहाँ कैमलिन। ओके, तो आप देख सकते हो कैमलिन फाइन निब है, मीडियम निब है और ये गोल्ड प्लेटेड निब है गाइस, गोल्ड प्लेटेड निब। और उसको जूम आउट करते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं जूम आउट करता हूँ। ओके, तो आप देख ही सकते हो पेन का बॉडी बहुत ही अच्छा है, फाइन ग्रिप भी देती है, जब आप लिखते हो ना तो बहुत ही अच्छा ग्रिप देती है। आप देख ही सकते हो यहाँ 5 सेंटीमीटर का ग्रिप है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही, देख सकते हो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, बहुत ही मतलब अलग सा पेन मुझे लगा गाइस, बहुत ही विंटेज वाला फीलिंग आ रही है। ओके, आप देखिए तो यहाँ एक क्रोम का कुछ कलर है, यहाँ ब्लैक बॉडी है। ये पेन आपको ब्लू में, रेड में, ग्रीन में मिल सकती है, मैंने ब्लैक लिया है क्योंकि और मेरी कलर है, ब्लैक बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, तो ब्लैक पेन्स बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, और आप देखिए तो यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी क्रोम है, दो क्रोम है, तो बहुत ही मतलब अलग सा पेन है। और इसको ओपन करते हैं ऐसे ऐसे रोलर करके, इससे इसको निकालते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो इसका फिलिंग पार्ट है ना, फिलिंग पार्ट जो है वो पुराना वाला मॉडल है, तो नए वाले स्टाइल है। तो आप इसको इंक के बॉटल में डालते हो और इसको यहाँ से ऐसे कर कर आप निकाल सकते हो इससे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो, ओके ऐसे, मुझे पता नहीं गाइस ये वेग क्या होता है, इसका नाम क्या होता है मुझे पता नहीं, बट जब आप डालते हो इंक बॉटल में और इसको निकालना है ऐसे ऊपर साइड से,
तो यहाँ इंक फिल हो जाएगा। ओके, मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रिल का इंक, बहुत ही अच्छा इंक है ब्रिल वाले कंपनी का, और आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ चीप क्वालिटी है गाइस, पार्कर का क्वालिटी अलग ही है, और ये देख सकते हो थोड़ा सा चीप मुझे लगा, बट नो प्रॉब्लम, 200 रुपीज़ में आपको इतना मिल सकता है। और इस ओके सॉरी गाइस, मैंने बोला ये कर दिया, 200 रुपीज़ है इस पेन का प्राइस, तो बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ही रीज़नेबल है, मुझे लगता है बहुत रीज़नेबल है, बहुत ही अच्छा पेन भी है, और उसको हम लिखकर देखते हैं। तो यहाँ नीचे की साइड में भी क्रोम है, बहुत ही अच्छा कैप है, यहाँ प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, कैप जो है वो मेटल का बना है, तो आप देखें तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी मुझे लगा है। ओवरऑल पेन का बहुत ही अच्छा है, फीडर भी प्लास्टिक का है, फीडर वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि जब लिखता है ना गाइस, ये इससे मक्खन लिखती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ मैंने एक बुक ले लिया, इसको ओपन करते हैं, बहुत सारा ये है, मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ इसको, यहाँ ओके ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पेन को मैंने ऐसे पकड़ लिया, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। ओके, आप ऐसे भी रख सकते हो। ओके, हम लिखते हैं, बहुत ही मतलब मुझे ऐसे पसंद नहीं है गाइस, तो मैं ऐप को रिमूव करता हूँ। ओके, अभी लिखते हैं, मतलब गाइस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है, और आप देख सकते हो, तो जब भी ऐसे लिखता हूँ ना, बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे सिंपल ऐसे लिख जाता है, बहुत ही अच्छा है, मतलब 5-star रेटिंग दूंगा मैं इसको, 100 से पूरे 100, बहुत ही अच्छा, तो आप देख सकते हो, तो स्मूथनेस देख सकते हो, वाह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा, ओके okay. तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो, सैंपल देख सकते हो, यहाँ बहुत ही अच्छा है, वेरी स्मूथ है, वेरी स्मूथ है, बहुत ही अच्छा निब है इसका, निब आप देख सकते हो, ओके निब आप देख सकते हो। ओके, तो गाइस तो हैंड राइटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, ओके okay. और उसका फीडर भी बहुत ही अच्छा है, तो ओवरऑल पेन की रिव्यू ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब वन ऑफ द टॉप। ओके, इसको साइड में रखते हैं और बात करते हैं ओवरऑल क्वालिटी की। ओके, बात आते हैं क्वालिटी में, क्वालिटी 5 out of 5, स्मूथनेस 5 out of 5, निब 5 out of 5, ओवरऑल गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट पेन्स है इन द मार्केट नाउ। कैमलिन एलिगेंट थोड़ा सा पुराना पेन है, ओके कैमलिन का बहुत सारे पेन्स भी है, कैमलिन 47 है, कैमलिन मिनी है, कैमलिन ट्रिनिटी आ रहा है हमारे चैनल पर, ये एलिगेंट है, इसके बाद ट्रिनिटी आएगा हमारे चैनल पर, वो भी आप वेट कर सकते हो, नए वीडियो आएंगे। ओके okay, तो मैं कहूँगा सजेशन, माई सजेशन इज गाइस बहुत ही अच्छा है, फटाक से जाओ, लिंक नीचे है, फटाक से क्लिक करो लिंक को और बाय करो अमेज़ॉन से, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट भी है, तो ओवरऑल कैन बाय इट। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मैं वीडियो यहाँ ही एंड करता हूँ। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना, तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, मिलती अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।